हेलो एवरीवन, टैलेंटेड डेवलपर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एलडैप के बारे में जानेंगे, साथ में एलडैप और एक्टिव डायरेक्टिव का डिफरेंस देखेंगे, एलडैप वर्क कैसे करता है, एलडैप में ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है, और उसके बाद हम लोग एलडैप का स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ में एलडैप अपाचे डायरेक्टिव स्टूडियो के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडी का मतलब है एक्टिव डायरेक्टरी। सो मेनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन, ग्रुप और यूज़र मैनेजमेंट के लिए, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। साथ में ये पूरी तरह से ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हर यूज़र को प्रोवाइड करता है। साथ में इसको हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो या तो किसी यूज़र या यूज़र के कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं। LDAP क्या है? LDAP का फुल फॉर्म है लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर आप इसका नाम देखेंगे लाइटवेट, मतलब कि ये बहुत ही लाइटवेट है, सो और साथ में ये बहुत ही सिक्योर है। और इसका काम क्या होता है कि ये एक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है जिससे आप डायरेक्टरी सर्विसेज से लिंक हो सकते हैं, और ये ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। LDAP और एक्टिव डायरेक्टरी में डिफरेंस क्या है? LDAP एक वे है जिससे हम लोग टॉक करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी सर्विसेज डेटाबेस है, और LDAP एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग यूज़ करके एक्टिव डायरेक्टरी से टॉक करते हैं। सो LDAP वर्क कैसे करता है, राइट? सो LDAP में क्या होता है कि जो आप लोग यूज़ करते हैं वो LDAP रेडी सिस्टम होता है या एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि LDAP सर्वर को कॉल करता है। LDAP सर्वर में इंटरनली उसका डेटाबेस भी लिंक रहता है, जिसको हम लोग LDAP डेटाबेस बोल सकते हैं, और वहाँ पे जाके वो चेक करता है कि वो यूज़र वैलिड है या नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, LDAP सर्वर में जाएगा, साथ में वो जाके उसके डेटाबेस को चेक करेगा। उसके बाद अगर आपका वैलिड है या इनवैलिड है, वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। LDAP अपाचे डायरेक्टरी स्टूडियो में ये देख रहे हो आप, ये LDAP सर्वर हुआ, राइट? अभी आप देखोगे सर्वर स्टॉप है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। LDAP सर्वर ठीक एक SQL सर्वर की तरह आप सोच सकते हैं। SQL में क्या होता है, पहले आपको सर्वर को रन करना पड़ता है, उसके अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन है, लाइक एक डेटाबेस आप समझ सकते हो। ये हमारा LDAP सर्वर हो गया और ये LDAP डेटाबेस हो गया, और यहाँ पे मैं कुछ यूज़र्स को आपको दिखाऊंगा ये क्रिएट कैसे करते हैं, और LDAP अपाचे डायरेक्टरी स्टूडियो क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूज़र है माइक, राइट? और माइक में आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग UI साइड से, मतलब कि क्लाइंट साइड से यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हैं, वो जाके LDAP सर्वर को कॉल करेगा, वो चेक करेगा कि सर्वर स्टार्ट है कि नहीं। अगर सर्वर स्टार्ट है तो वो यहाँ पे आके, और जो आप पाथ मेंशन किए हुए हैं कोड में, वो उसके अनुसार वो चेक करेगा कि ये यूज़र का यूज़र आईडी और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। सो हम लोग अब देखते हैं LDAP ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है। सो एक्चुअल में LDAP का जो ऑथेंटिकेशन है वो क्लाइंट साइड और सर्वर में कैसे वर्क करता है, सो मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये आप एक एप्लीकेशन है, राइट? वहाँ पे यूज़र अपना क्रेडेंशियल मेंशन करेगा, लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद ये इंटरनली आपकी API या सर्विसेज को कॉल करेगा, वहाँ से आप अपने LDAP या एक्टिव डायरेक्टरी को कॉल करोगे। और अगर यूज़र का क्रेडेंशियल इनवैलिड है, लाइक रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक मैसेज शो करोगे, लाइक ये वैलिड क्रेडेंशियल नहीं है या आपको ऑथेंटिकेशन नहीं है। और इन केस में अगर क्रेडेंशियल सही होता है तो आप क्या करते हो, आप एक एक्सेस देते हो, लाइक ओके मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, वो काइंड ऑफ आप टोकन दे सकते हो या कोई भी कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो कि ओके यू हैव परमिशन, आप जाओ आप एक्सेस करो। सो ये LDAP ऑथेंटिकेशन इंटरनली ऐसे वर्क करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, उसके बाद वो LDAP को कॉल करेगा, LDAP सर्वर से LDAP डेटाबेस, वहाँ से वैलिडेशन चेक होगा, अगर हर चीज़ वैलिड है उसके बाद वो जाके आपको एक्सेस ग्रांट करेगा।
सो वाई LDAP, मतलब कि हमें LDAP की ज़रूरत क्या है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इमेजिन करो आप एक बड़े से MNC या IT कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे मोर देन 10,000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और आप एक नेटवर्क एडमिन के रोल पे हो। आपके कंपनी में बहुत सारी टीम है, लाइक अकाउंट टीम, डेवलपर टीम एंड बहुत सारी टीम है, और आपको बोला जाए कि आपको कुछ पॉलिसी क्रिएट करनी है, लेकिन वो पॉलिसी हर यूज़र के लिए डिफरेंट रहेगा या हर ग्रुप के लिए डिफरेंट रहेगा। तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप हर सिस्टम पे जाएं और बैठ के पॉलिसी क्रिएट करें? नहीं ना, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा और शायद ये फॉरएवर भी हो सकता है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम LDAP के थ्रू बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं, उसके साथ में हम लोग पॉलिसी अटैच कर सकते हैं किस यूज़र को कौन सी फाइल एक्सेस करनी है वो आप अलाउ कर सकते हो, और किसको क्या चीज़ शो करना है वो सारे चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक लाइब्रेरी के ऑनर हो और आपके पास बहुत सारे बुक के कलेक्शन है, एंड यूज़र के लिए किसी भी बुक को सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप SQL यूज़ करते हो या कोई और यूज़ करते हो तो मे बी ये कुछ फ्रिक्वेंट भी हो, लेकिन इतना ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपको यूज़र के लाइब्रेरी कार्ड के को भी चेक करना है और साथ में उसके अनुसार कौन सा बुक अवेलेबल है या कौन सा उसको इशू हुआ है आप चेक कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए हमें डेफिनेटली LDAP यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप LDAP यूज़ करोगे बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही लाइट वेट है। सो आप समझ सकते हो हमें LDAP की ज़रूरत क्यों है। सो LDAP का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। मैं LDAP डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये एक हायरार्की फॉलो करता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, रूट सेक्शन, राइट। सो ऑलवेज ये रूट से स्टार्ट होगा, और रूट में क्या होता है कि नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब कि वहाँ पे आप DC देख सकते हो। DC का फुल फॉर्म होता है डोमेन कंपोनेंट। ये ऑलवेज एक टॉप हायरार्की होता है और जो DNS का नेम स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट सब ग्रुप होता है OU। OU का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या करता है, वो एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है जो सबको होल्ड करता है, पूरे ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन को। सो OU के अंदर कुछ यूजर्स हैं, राइट। आप देख सकते हैं एक OU जिसका नाम यूजर है, उसके अंदर हमारे पास एक यूज़र है जिसका नाम जॉन है। तो ठीक, मैं आपको इसी तरह से एक और एग्जांपल शो कर रहा हूँ इसी हायरार्की पे। सो आप देख सकते हो, राइट, मैंने राइट साइड में हायरार्की रख दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इमेजिन करो आपके पास एक कंपनी है जिसका नाम ABC है, उसके अंदर आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं लाइक डेवलपर, बिजनेस और फाइनेंस। डेवलपर के अंदर भी आपके पास एक इंटरनली ग्रुप है जिसका नाम बैकएंड है। बिजनेस में कुछ टीम है, उसमें कोई ग्रुप नहीं है, और फाइनेंस में एक और ग्रुप है जिसका नाम अकाउंट्स है, और बैकएंड में कुछ मेंबर हैं और अकाउंट में कुछ मेंबर है। सो आप इस एग्जांपल को, मैंने जो आपको हायरार्की बताया, आप उससे रिलेट कर सकते हो। सो क्या होगा कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट में एक यूज़र हमारा जॉन, राइट। सो हम लोग क्या बोलेंगे, जो सबसे टॉप सेक्शन है उसको ओ मान लो, यानी ऑर्गेनाइजेशन। उसके नीचे जो डेवलपर, बिजनेस और फाइनेंस है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोल लो। ठीक, उसके अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है बैकएंड और अकाउंट्स, और बैकएंड में हमारा एक यूज़र है जिसका नाम है जॉन, राइट। यहाँ पे हमें कॉल करने के लिए RDN चाहिए। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे नीचे सेक्शन है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो आप देख सकते हो उस नीचे में है। और इमेजिन करो इसका CN का नाम जॉन मार्क है, राइट। तो ये किसके अंदर है, बैकएंड किसके अंदर है, डेवलपर किसके अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन। सो ठीक, हम उसी तरह से उसे कॉल करेंगे लाइक CN जॉन, OU का मतलब हुआ बैकएंड, और ये बैकएंड किसके अंदर है, डेवलपर, तो ये डेवलपर के सेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आपको सेम तरह से जो मैंने आपको बताया, मैं आपको LDAP Apache Direct Studio में दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर क्या होता है, DIT होता है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन ट्री। सो ये हमारा टॉप हायरार्की हुआ। उसके अंदर हमारा एक OU है जिसका नाम सिस्टम है, उसके अंदर एक और OU है जिसका नाम यूज़र्स है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ यूज़र है। सो मैं माइक को क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, आप देख सकते हो ये इसका DN हुआ, राइट। सो DN में क्या आपको दिख रहा है, CN माइक, राइट, और ये किसके अंदर है, यूज़र के अंदर है, राइट, और ये यूज़र किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है, राइट। सो आप देख सकते हो कि इसका DN क्या है और इसका URL क्या है, मैंने आपको जो बताया, और ठीक आप
यहाँ पे देख सकते हो राइट कैसे ये व्यू होता है और LDAP के अंदर यूज़र कैसे रहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास एक कंपनी है, उसके अंदर आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जिसका नाम यूज़र्स और ग्रुप्स है, और यूज़र में आपके पास सारे यूज़र ऐड है, और वो यूज़र आपके एक और ग्रुप में ऐड है जिसका नाम एडमिन है। आप कैसे एक यूज़र को मल्टीपल जगह पे ऐड कर सकते हो? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रुप ऑफ यूनिक नेम्स। ग्रुप ऑफ यूनिक नेम ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि राम ये यूज़र ग्रुप में है और हमें इसको यहाँ पे ऐड करना है। हमें उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट नेम यूज़ करना है जिसका नाम है यूनिक मेंबर, और यूनिक मेंबर एट्रीब्यूट के साथ मतलब कि एक की वैल्यू, और पेयर में क्या करेंगे जो हमारा यूज़र का DN है वहाँ पे ऐड कर देंगे। लाइक आप देख सकते हो CN राम, और ये यूज़र्स के अंदर है और वो कंपनी हुआ राइट। आप देख सकते हो कैसे ये लिंक है। कुछ टर्म्स हैं LDAP के अंदर। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, OU का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, CN का मतलब है कॉमन नेम, SN का मतलब है सरनेम, और जो DN है जिसका मतलब है डिस्टिंग्विश नेम यूज़र, जो मैंने आपको दिखाया एट्रीब्यूट राइट, उसको हम लोग INET और पर्सन बोल सकते हैं, और ग्रुप ऑफ यूनिक नेम बोल सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आप देखोगे ये जो यूज़र है राइट, ये यूज़र का जो लेबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, INET और पर्सन ऑल्सो, INET और पर्सन राइट। आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट क्लास है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में हम लोग यूज़र ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक OU को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने यूज़र्स OU को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू एंट्री को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, INET और पर्सन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे राइट साइड में आप देख सकते हो उसका ऑब्जेक्ट क्लास आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक RDN है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होता, बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो, पोस्टल कोड, मोबाइल। तो मैं यहाँ पे CN सेलेक्ट करता हूँ, CN का मतलब है कॉमन नेम, और यहाँ पे मैं एक नेम दे रहा हूँ राइट चिल, और जैसे मैं यहाँ पे चेंज किया आप देख सकते हो यहाँ पे वो DN प्रीव्यू शो कर रहा है आपको। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे उसके बाद आपसे SN पूछा जाएगा सर नेम, तो समथिंग मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके फिनिश कर दे रहा हूँ। जैसे मैं फिनिश करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग जनरेट हो चुका है कि मैंने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया है और मैंने एक यूज़र को ऐड किया है राइट, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, और आप देख सकते हैं राइट उसका DN, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि CN जिल हुआ और वो OU यूज़र्स के अंदर है और यूज़र सिस्टम के अंदर राइट, और उसका वो URL टोटल पाथ हुआ, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक यूज़र किसी और ग्रुप में ऐड हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप्स है हमारा, इस ग्रुप को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर एक ग्रुप है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी यूज़र है राइट यूनिक मेंबर, और आप चेक करोगे तो मालूम चलेगा ये एडमिन है, और ये एडमिन यही एडमिन है। कभी भी अगर हम किसी यूज़र को इस मान लीजिए ये हमारा यूज़र है और इसको हमें किसी ग्रुप में ऐड करना है, तो हमें यूनिक मेंबर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? LDAP में मेनली दो टाइप के होते हैं। जो पहला वाला होता है वो सिंपल होता है। सिंपल में क्या होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड को बाइंड किया जाता है, वो जाके LDAP डेटाबेस में चेक करेगा कि वो यूज़र का जो क्रेडेंशियल है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो उसको ग्रांट परमिशन मिलता है कि ओके आप को मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप आगे बढ़ सकते हो। और सेकेंड वन है SASL, इसके अंदर क्या होता है, बाइंड का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्लाइंट सर्वर एक आपस में नेगोशिएट करके एक अलग ही ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जो क्या करता है कि LDAP का जो कनेक्शन चल रहा है उस पर वो लोग वहाँ पे अलग से सिक्योरिटी पॉलिसी या उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ LDAP के बारे में नॉलेज मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ।